फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटर का पराठा। मटर का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए हरी धनिया, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 8 से 10 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सरसों का तेल, हल्दी, नमक और जीरा। तो सबसे पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले हमारे पीस के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस हमने जला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और हरी मटर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे मसाले। मसालों को हमें भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और टेस्ट के अनुसार नमक। जब तक मटर हमारी पक रही है, तब तक हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं आटा हमारा लग चुका है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। मटर हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मटर हमारी अच्छे से पीस चुकी है, हमने इसे गर्म ही पीसा है, आप चाहें तो इसे ठंडा करके भी पीस सकते हैं। आटा हमारा फूल चुका है और मटर भी ठंडी हो चुकी है, तो चलिए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको इसको इस तरह से भरना है कि ये फूटे ना। आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा कितनी अच्छी तरह से बना है, ये कहीं से बिल्कुल भी फटा नहीं है। मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर और रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पराठे हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।